जी नाज़रीन, ये पुराने ज़माने में जो करार तो कहते हैं वो जो हुआ करते थे, चक्की जिसको कहते हैं आटा पीसने के लिए, ये वो है। शारदा के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ और ये इसको कराट और चक्की कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर की चक्की। और कुछ सता रहे हो? ये जो ये जो चक्की है कितना अर्सा हो गया? ये 100 साल हो गया। 100 साल हो गया। जदवी तो तस्दीक हो गया बना। हाँ, वो तो बचा ये चलती है, ये 7 पीढ़ियाँ गुजरती। तो आपकी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई, मतलब 7 जनरेशन आपकी गुजर चुकी है। तो एक ये जब ये कितने पैसे लेते हैं? ये मान के 200 रुपये लेते हैं, 40 किलो के 200 रुपये। तो ये जो पानी ऊपर को पानी पीछे आप यहाँ पे रोकते हैं? पीछे नाली है ना, नाली से आता है, नीचे पखा लगा हुआ है। अच्छा, वो पखे का कनेक्शन इसमें सेट है, पखे वो पानी लगता है, वो घूमता ऊपर चाहिए। अच्छा, तो ये एक मन जो है ये कितनी देर में कर देता है ये कम्प्लीट? तकरीबन 35 मिनट। 35 मिनट में एक मन यानी 40 किलो ये कम्प्लीट हो जा रहा है। नाज़रीन, ये शारदा के मुकाम पर आप इसको चक्की कह सकते हैं, कराट भी इसको कहते हैं। तो ये 7वीं जनरेशन से ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये इनकी नस्ल ये काम कर रही है, इनका आबाई काम है, ये जो इनका फैमिली जिसको काम कहते हैं हम, ये वो कर रहे हैं। तो ये देखें, बहुत सारी यहाँ पे मकई और गंदम बड़ी हुई है। तो 40 केजी का ये 200 रुपया लेते हैं और ये आटा देसी आटा तैयार करके देते हैं चक्की में। खालस देसी आटा होता है ये जो इस चक्की में तैयार करते हैं। तो ये हमारी जो कश्मीर है, हमारी जो सकाफत है, इन्होंने उसको ज़िंदा रखा हुआ है कि ये इनकी 3री जनरेशन ये बिज़नेस कर रही है यहाँ पर। और ये शारदा के मुकाम से हम आपको दिखा रहे हैं, सॉरी 3री नहीं, इनकी 7वीं जनरेशन है ये, बाबा जी की 7वीं जनरेशन ये बिज़नेस यहाँ पर कर रही है।